मसूरी जनपद पंचायत को एक भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाता है। मसूरी क्षेत्र में कई ऐसे पंचायत हैं जहां दो साल बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास अब तक नहीं बन पाया है। ठेकेदारों की मिली भगत से बिना आवास बने ही हितग्राहियों की खाते से पूरा किस्त निकाल लिया गया। जनपद के अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदारों की मनमानी चरम पर है। अधिकारियों की संरक्षण से ठेकेदारों पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाया है। यही कारण है कि आज भी पूरा आवास अधूरा है। ऐसे में हितग्राहियों के सामने बड़ी चुनौती है। टूटा हुआ मकान, ऊपर से यह बारिश, लोगों को दिन काटने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अधिकारियों की कार्रवाई न करने के रवैये से हितग्राहियों में उम्मीदों की किरण खत्म होते नजर आ रहा है। ग्राम बूढ़ी खार और जैतपुर में कुल 184 आवास आवंटित हुआ, जिसमें से लगभग 15 आवास का अब तक बना ही नहीं। ऐसे में हितग्राहियों ने ठान लिया, जब जनपद के अधिकारी नहीं सुन रहे तो इन ठेकेदारों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई जाए। और दोनों गांव के 13 हितग्राही ने ठेकेदार के नाम पर मल्हार चौकी में शिकायत दर्ज करा दिया। मल्हार चौकी प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके में जाकर हितग्राहियों से पंचनामा तैयार किया, साथ ही अग्रिम कार्रवाई की बात कही गई। दो साल हो गया, 70,000 कम से कम आस पास गिराया हुआ, उसको भी वो ले गए। उल्टा बोलने पर वो धमकी चमकी दे रहा था उसका पिताजी आकर कि जाओ, जो कुछ करना है वो कर लेना था। उसका पिताजी राजकुमार, अभी तक कोई नहीं आया। अभी ये मल्हार चौक पहली बार ये हो रहा है। अभी वहाँ SDM के पास गए थे 4-5 बार, यहाँ मस्तूरी और जिला पंचायत, यहाँ पंचायत रहे में भेटे नहीं हुई, और जिला पंचायत गए तो वहाँ अधिकारी मन बोली कि आवा था नहीं से, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गए, कहाँ भी नहीं करे। अब शिकायत का आवास मित्रारी से, तो बोली तोर पैसा आ गए है, खाता खोलवा ले। तो एक बार दस्तखत करे रहे, ओखर बाद तो है वो कहीं पैसा तोर चल दें भट्ठा, ओखर बाद आके पूछें तो कहीं तो पैसा हा नहीं आए कि कहीं अंते गए। मैं कहें को काखर खाता में गए तेल बता भाई, तो कहीं मैं नहीं जाना, तो बैंक जा अपन बैंक से अपन लिखलवा ले। तो मैं बैंक गए बता पाए थे, ओखर बाद तहर पर इतना दिन में खोजत खोजत में मिली सर। अब फसल जाए तो कोई पता नहीं भैया। हाँ, आवास शाखा विभाग से कभी कोई अधिकारी आपके यहाँ आते हैं देखने? नहीं आया है। हम के ग्राम बूढ़ी खार से और जैतपुर से करीब अभी तक जो है 13-14 हितग्राहियों ने शिकायत किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास आवंटित हुआ था, राशि आवंटित हुई थी, आवास का निर्माण नहीं हुआ है, पर उनके खातों से राशि जो है आरित कर ली गई है। उसमें से ज़्यादातर लोग जो है अशिक्षित है, जिन्हें धोखा देकर के अंगूठा निशान लेकर के एक ही बार में खाता खोलने के नाम पर राशि आरित कर ली गई है, जिसका उन्हें ज्ञान नहीं था। अभी ज्ञात होने पर मेरे पास 12-13 शिकायतें आई हैं, अभी तक प्राप्त हुई हैं और उसमें जांच की जा रही है। आहरण जो उन्होंने दस्तावेज पेश किया है, उनके खाते से राशि आरित की गई है, मेरे द्वारा शिकायत की जांच की गई और कल मौका पर जाकर के ग्राम पंचायत में जो है संबंधित ग्राम पंचायतों में सरपंच, उप सरपंच और स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष जो है बहुत घटना के भौतिक सत्यापन पर मैंने पंचनामा तैयार किया है। और अभी तक उनके आवास निर्माण में किसी प्रकार का आवास राशि निकाल ली गई है, पर आवास निर्माण में एक भी ईंट नहीं रखी गई है और ना ही नींव खुदा है, और उनकी राशि जो है 1,20,000 राशि आरित की गई है, ऐसा प्रथम दृष्टया दिखता है। जांच की जा रही है, शिकायत जांच पे जो भी पाया जाएगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।